सो हे व्यूअर्स, अगेन वेलकम बैक हो गया आप सभी का है मूवीज व्लॉग्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं डोल आश्रम। तो हमारे साथ में है तिलोक भाई और हमारे साथ में है हमारी स्प्लेंडर। बाकी ये पीछे का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये है, ये कौन सी जगह थी, पुखराड़। हाँ, ये है धारी की एरिया, मतलब धारी के जस्ट बगल में नीचे एक छोटी सी बस्ती है पुखराड़। अगेन वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग पे। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, ना बारिश हो रही ना ज़्यादा धूप। हमने कहा थोड़ा ऊपर को घूम लेते हैं, देखते हैं जाते जाते कहाँ तक पहुँचते हैं। और मेरे पीछे है अभी तिलोक वेस्ट। ऊपर को जो मतलब मौसम यहाँ से दिखाई दे रहा ना, वो भी बहुत मस्त हो रहा। तो भैया ये बन रहा है पुल गोला नदी में, जो कि जल्दी तैयार होने वाला है। बाकी ये पुराना वाला पुल। बाकी ये भीमताल की एरिया, इसमें पानी ने कलर चेंज कर दिया है अभी। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, तो ये है नज़ारा पुखराड़ का। वो सामने पे पुखराड़ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी है वहाँ पे, और वहाँ पे आईटीआई भी है कहीं आसपास ही। बट ये है नज़ारे, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई। मतलब ये अच्छी जगह लग रही, बहुत अच्छी जगह है। और ये बाईपास बना रखा है, मेरे ख्याल से कस्याली जाती है ये वाली रोड। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी यहाँ पे। और अभी हम पुखराड़ यानी कस्याली धारी पे हैं, धारी से 2 किलोमीटर पीछे हैं, ऊपर पे धारी है। तो बस ये है यहाँ का नज़ारा। अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधे ऊपर को, प्लान तो बन ही गया है। आते आते ही बना प्लान, थोड़ा ऊपर तक आए थे हम तो ऐसे ही, तो प्लान बन ही गया है जाने का, तो चल ही देते हैं वहाँ पर। तो अभी एक और प्यारी सी लोकेशन पे आ चुके हैं हम, और ये देखिए पीछे का नज़ारा, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा। एक अच्छी सी प्यारी सी लोकेशन है। अभी बादल लगे हैं तो यहाँ पे मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। सामने पे देखिए सारे बादल लगे हैं ना चारों ओर पे, तो इसलिए क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, बट बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। बट एक चीज़ ये है कि यहाँ पे लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है, रॉयल स्टैग का बोतल पड़ा है, और ये देखिए यहाँ पे पड़ा है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं धानाचुरी बैंड पे, और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर वाले रूट में। ये चला जाता है पटेलिया और ये जाता है उखलकंडा हमारे घर की साइड को। हमने जाना है शहर फाटक को, इधर को। तो अभी यहाँ पर रुकने का कुछ नहीं है, आते वक्त यहाँ पर खाना खाएँगे। अभी फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं शहर फाटक। तो अभी सामने पे एक प्यारी सी और लोकेशन मिली है, वो पता नहीं चंपावत अम्पावत होगा, अल्मोड़ा होगा ना, अल्मोड़ा की एरिया होगी, पता नहीं कौन सी एरिया है। मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रही ये देखिए, कहीं इधर को तो चंपावत होगा आगे को, और ये अल्मोड़ा की एरिया होगी। तो यहाँ से है अल्मोड़ा है आपका 50 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 112 किलोमीटर और लोहाघाट 80 किलोमीटर। तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अल्मोड़ा वाली रूट पे। ये है आपका रीठा साहिब को भी यही रूट जाता है, तो हम जाएंगे ये वाले रूट पे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से है कट डोल आश्रम के लिए, तो देखिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम कट। फाइनली पहुँच गए हैं हम हमारे प्यारी सी लोकेशन डोल आश्रम पे, और पहले गाड़ी करते हैं यहाँ पर खड़ी। तो ये रहा चारों ओर का नज़ारा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे डोल आश्रम पे, और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ।
बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। शायद यहाँ से अंदर को तो कैमरे ले जाने नहीं देते, कैमरा भी फ़ोन भी कुछ भी नहीं ले जाने देते अंदर को, गेट से अंदर को। यहाँ से थोड़ा अंदर को जाएंगे, दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ से अंदर को मतलब अंदर एक और गेट है, वहाँ से अंदर को तो कैमरा फ़ोन कुछ भी नहीं ले जाने देते, तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो चलिए, तो ये है यहाँ की शिव मूर्ति। ये गेट है, यहाँ से आपको जूते चप्पल और फ़ोन कैमरा बैग कुछ भी अंदर नहीं ले जाने देते। तो ये है नज़ारा पूरा डोल आश्रम का, कुछ इस तरह का है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से फ़ोन ऑन ला देते हैं। नीचे विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय, और यहाँ पे ये सारे यहाँ के स्टूडेंट संस्कृत विद्यालय के। बाकी यहाँ पे खेती वगैरह भी कर रखी है आश्रम के अंदर की ही, यहीं के लोगों के द्वारा की गई होगी। और सामने पर नंदी की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है सामने पे। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे।